श्री शिवाय नमस्तु। है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, प्रदोष शिवरात्रि या सोमवार बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। राजा धम ने 41 तरह के दियो का दीप का वर्णन करा है, एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कथा। तो कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा है, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है, धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर, अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो, और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हटकेश्वर महादेव का नाम लेते, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापिस लिया, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा, संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ।
कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे, अपने आप।